राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक स्कूल के बाहर छात्रों में हुआ झगड़ा खूनी खेल में तब्दील हो गया और 10वीं के छात्र को ताबड़तोड़ 12 बार चाकू से हमला कर 5 से 6 की संख्या में बदमाशों ने घायल कर दिया। घायल छात्र अपने आप को बचाने के लिए स्कूल का गेट खड़खड़ाता रहा, लेकिन स्कूल वालों ने मदद करने की वजह गेट बंद कर दिया, जिसके बाद वह गली में गया और कई लोगों से मदद की गुहार लगाई। आखिरकार कुछ लोग उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए, जहां खून से लथपथ हालत में घायल साहिब आलम नाम के छात्र का इलाज किया जा रहा है। वारदात मंगोलपुरी कतन मार्केट के पास के सरकारी स्कूल के बाहर की है, जहां स्कूल के गेट के बाहर ही इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। करीब 5 से 6 की संख्या में बदमाशों ने छात्र पर ताबड़तोड़ 12 बार चाकू से हमला किया और मौका वारदात से फरार हो गए। जानकारी के नतीजे पे एक ही मामला ये था कि हम अपनी दुकान के अंदर बैठे थे, शॉप के अंदर जी, बच्चों का झुंड यहाँ से चल रहा था और यहाँ से बच्चे कोई जा रहे थे, कोई पेपर लेकर के छूट कर वापस आ रहे थे। तो बच्चे हल्ला दल्ला भी मचाते हुए आ रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ से भगदड़ मची, यहाँ से लोगों की भगदड़ मची, चक्कू मार दिया, चक्कू मार दिया। तो कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग उधर भागे। मग क्या हो गया, क्या हो गया? तो 3-4 लड़कियां और कुछ लड़के ये बोल रहे थे कि भाई चक्कू मार दिया। तो हमने देखने के लिए वहां भागे, तो लड़का था, लड़के कुछ इधर से गए, कुछ इधर से गए। अब उनकी कोई पहचान नहीं कर पाएगी, कौन नहीं है, कौन है, कौन नहीं है। एल को हॉस्पिटल ले जाने से पहले, हमारे से पूछने से पहले ही वो ले जा चुके थे। अच्छा, अब कौन ले गए ये भी मैं नहीं कह सकता, हम नहीं कह सकते भी बिल्कुल। लेकिन वो बच्चे यहाँ से, यहाँ भी जगड़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह मतलब देखा जी, मैं यहाँ से जा रहा था, कोई 1 बजे का समय होगा और मैंने देखा भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा और कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे थे चाकू। तो अगर ऐसे मच गई, मैं भी थोड़ा दूर हट गया। उसके बाद में लड़का घायल था, जब उसने स्कूल में एंट्री करने की कोशिश करी तो स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला और उसके काफी ब्लड निकल रहा था, पर वो बड़ी मेहनत से धक्का मार के अंदर घुसा उसके बाद में, और अंदर जाने के बाद में फिर उसको बचाया गया। अच्छा, तो स्कूल अगर गेट खोल देता समय पे, कम इंजरी होती है, कम इंजरी होती स्कूल की लापरवाही है। ठीक है सर, फिलहाल राजबाग थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द हमलावरों का पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ घायल साहिब आलम का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।